कहते थे अरे तीस मार खानी होते हैं जो फर्स्ट में में तीनों भी स्टेजेस सीए आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग वन ईयर ऐसा था कि घर के मेंबर्स को भी मैंने नहीं देखा हो बट मैं एक चीज कह लेती अगर आप क्लियर नहीं हुए ना जितने कॉल्स आपको बर्थडे के दिन नहीं आए उतने रिजल्ट के दिन पक्का आने वाले दिन से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड बिकॉज यू ऑल आर सो स्पेशल टू मी आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई सक्सेस स्टोरी विथ यू ऑल की कैसे मैंने पढ़ाई की और कैसे मैं यहाँ पे एक टीचर बनी हूं कहाँ से जर्नी शुरू हुई और आज का दिन तो आप देख ही रहे हो ओके सो फेब 2008 में मैंने मेरी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी थी एंड तभी डिसाइड uh, तो हो चुका था ऑलरेडी कि मुझे सी करना है ट्वेल्थ के बाद इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू परस्यू द कोर्स ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी बट तब के जमाने में क्या होता था सी के चार अटेम्प होते थे मतलब एवरी थ्री मंथ्स देर वॉज वन अटैम्प्ट ऑफ सी पी तो मैंने सोचा था फेब 2008 में मैं अपनी सी के एग्जामिनेशन दे दूंगी तुरंत फिर एग्जामिनेशन के बाद ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के बाद आई वुड स्टार्ट विथ माई सी पी टी क्लासेस और फिर अगस्त में मैं अपनी सीपीटी दूंगी बट अनफॉर्चुनेटली मार्च में ही इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन लाया और कहा कि हम 2008 में क्योंकि 10 साल हो चुके हैं हम हमारा कोर्स चेंज करना चाहते हैं और अब सीपीटी साल में चार बार नहीं होगा इट इज गोइंग टू हैपन ओनली ट्वाइस एवरी ईयर या तो जून में दो दो दे दो आपका सीपीटी या तो फिर आप दिसंबर में दो तो अब देखो मैंने फेब में अपनी एग्जामिनेशन दी मार्च में मेरी मेरी क्लासेस आर अबाउट टू बिगिन एंड देन द नोटिफिकेशन कम्स कि अगस्त का तो स्क्रैप हो चुका है अब अगस्त में कोई सीपीटी है ही नहीं मैंने सोचा था मार्च अप्रैल में तीन महीने क्लासेस करूंगी जून जुलाई में सेल्फ स्टडी कर लूंगी और ऑगस्ट का फर्स्ट संडे जो होता है ऑगस्ट का जो फर्स्ट संडे होता है मैं सीपीटी दे दूंगी बट अब ऑगस्ट का अटेम्प्ट नहीं तो सबसे बड़ा सवाल मेरे माइंड में यह आ गया अब या तो मेरी अटेम्प्ट प्रीपोन होगी या तो वो पोस्टपोन हो जाएगी टू तो डिसंबर अब डिसंबर तक तो मैं वेट नहीं करना चाहती थी और अगर प्रीपोन हो रहा है इट इज गोइंग टू बी जून का फर्स्ट संडे मतलब टू मंथ्स आई एम लूजिंग क्योंकि जून का पूरा महीना चले जाएगा और जुलाई का भी पूरा महीना गया जो अगस्त फर्स्ट वीक में होने वाला था अब ये जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा मतलब मेरा टू मंथ सेल्फ स्टडी गया अब क्लासेस करनी अब जितना प्रेशर स्टूडेंट्स को था डबल द प्रेशर फैकल्टीज के ऊपर क्योंकि अब चारों भी सब्जेक्ट जो उन्होंने सोचा था तीन महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे नाउ दे आर नॉट गोइंग टू हैव थ्री मंथ्स इन देयर हैंड क्योंकि हमें भी तो सेल्फ स्टडी के लिए समय चाहिए क्लासेज इज़ वन थिंग बट सेल्फ स्टडी एक बार तो होगी ना कि क्लासेस खत्म होने के बाद एग्जामिनेशन दे दो ऐसा तो बात होने नहीं वाली है सेल्फ स्टडी का रोल सेल्फ स्टडी ही होता है और टीचर्स का रोल टीचर्स ही निभा सकती है सो नाओ द टीचर्स हैड टू कम्प्लीट द कोर्स विद इन टू मंथ्स इंस्टेड ऑफ थ्री मंथ्स तो जहां पे पहले वो तीन महीनों के अंदर क्लासेस खत्म करने वाले थे अब टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया था दो महीने के अंदर क्लासेस कर लो और जहां पे दो महीने का सेल्फ स्टडी था अब वो दो महीने के सेल्फ स्टडी के बदले वी हैड ओनली वन मंथ ऑफ सेल्फ स्टडी तो मेरी क्लासेस जो होती थी सीपीटी की वो शुरू होती थी सुबह के आठ बजे एंड दे यूज टू गेट ओवर एट सिक्स ओ क्लॉक एट फाउंडेशन लेवल मतलब एट सीपीटी लेवल जो आप लोगों का करेंटली अब शेड्यूल है वो मेरा हुआ था जब मैं सीपीटी की स्टूडेंट थी क्योंकि अब एक तो क्लासेस हो रही थी तो एक सेशन मैथ्स का दो दो घंटे मैथ्स के होते थे दो दो घंटे अकाउंट्स के होते थे दो घंटे इकोनॉमिक्स और दो घंटे लॉ के होते थे फाउंडेशन में चार सब्जेक्ट्स होते थे मतलब सीपीटी में और लंच भी वहीं पे करो नाश्ता भी वहीं करो और प्लस उतना नहीं था घर पे आने के बाद हमें अकाउंट्स और मैथ्स का होमवर्क जरूर मिलता था तो आप समझ लीजिए दस बजे तक तो वही चीजें होती थी और उसके बाद 10 बजे के बाद क्या ट्वेल्थ के बाद सोचा था कि ट्वेल्थ अभी इतनी मेहनत की है ट्वेल्थ के बाद अब आठ दस दिन मजे करेंगे घूमेंगे फिरेगे फिर चालू होगी क्लासेस तो वो तो कभी मौका मिला ही नहीं इमीजिएटली वी हैड टू स्टार्ट विथ द सी पी टी क्लासेस तो ऐसा ही शेड्यूल लगातार मेरा दो महीने टीचर्स ने प्रॉमिस किया था बट अनफॉर्चुनेटली दस दिन एक्सटेंड हो गया तो मतलब टू मंथ्स टेन डेज मेरा शेड्यूल वैसा ही चला विथ क्लासेस फिर बच्चे थे हार्डली बीस दिन

और हमारी मस्ती एक तरफ तो वो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली कम होते जाता है और प्रोफेशनल कोर्स की कभी सीरियसनेस हुई नहीं थी अब अचानक से प्रीपोन हो जाने की वजह से बीस दिनों के अंदर चार सब्जेक्ट्स करने देखो इतना आसान नहीं है दो महीने में अगर बोलो चार सब्जेक्ट्स इट इज इजी देखो अभी हमें सीपीटी लगता है बट उस स्टेज में हमारी कितनी वाट लगी थी वो हमें पता है

ट्वेल्व ट्वेल्व आवर्स थर्टीन थर्टीन आवर्स आई यूज टू स्टडी कभी लाइब्रेरी पता नहीं जमी नहीं मुझे मैं घर पे ही हमेशा पढ़ती थी तो ऐसे करके मैंने मेरी सी पी टी की एग्जामिनेशन दी एंडफॉर्चुनेटली सी पी टी वॉज फॉर टू हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड मार्क्स में पहले में आपका अकाउंट्स और लो होता था सिक्सटी एंड फोर्टी और सेकेंड पेपर जो होता था दैट वॉज फिफ्टी फिफ्टी मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स तो ऐसे करके आपके चार पेपर्स दो पेपर्स में डिवाइड होते थे I scored 158 marks out of 200 in my CPT examination. अब देखो CPT की examination मैंने दी CPT की examination में I scored 158 out of 200 in my June 2008 attempt. तब क्या होता था? तब होता था PCC. PCC में क्या होता था? I will tell you. जैसे ही आप CPT देते हो ना आपकी articleship शुरू हो जाती है. It is not like you all. आर्टिकलशिप डेढ़ साल की होती है और उसी के बाद आप पीपीसी मतलब पीसीसी के लिए एलिजिबल होते हो जैसे ही आपका पीसीसी हो जाता है अनदर वन एंड हाफ इज योर आर्टिकलशिप एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन मतलब सीपीटी के बाद तुरंत योर आर्टिकलशिप विल बिगिन तो देखो क्योंकि मैं पीसीसी की स्टूडेंट थी जैसे मेरा सीपीटी हो गया ना क्या हो गया मेरी आर्टिकलशिप चालू हो गई तभी इंस्टीट्यूट ने और एक बॉम्ब फोड़ा बोला अब पी आ, ये पीसीसी का लास्ट अटेम्प्ट है, पीसीसी अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईपीसीसी, जिसमें आईपीसीसी में क्या होता था आप सीपीटी दो एक साल के बाद आईपीसीसी दो और उसके बाद तीन साल की आर्टिकलशिप बट जो बच्चा ओल्ड कोर्स का है ना मतलब मैं ओल्ड कोर्स की वो अगर चाहे वो न्यू कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है मतलब अब पीसीसी का बच्चा आईपीसीसी के लिए रजिस्टर कर सकता है मतलब आपसे जो एक साल सीनियर हो गए ना वो बच्चों को ओल्ड से न्यू कोर्स शिफ्ट करने का मौका मिला होगा तो वैसे मेरे पास अभी ऑप्शन हो गया कि अगर मैं चाहू व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट फ्रॉम पीसीसी टू आईपीसीसी यही 2008 में ही नोटिफिकेशन आया और अगर मैं पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करती हूं अब मेरा अटेम्प्ट डेढ़ साल बाद नहीं एक साल बाद ही हो जाएगा क्योंकि आईपीसीसी आपके सीपीटी के एक साल बाद है, बट पीसीसी जो था वो डेढ़ साल बाद बट अब मैंने तो पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करवा लिया ना तो पीसीसी टू आईपीसीसी कन्वर्ट करवाने के वजह से मेरे लिए एडवांटेज क्या हो गया नॉट आफ्टर वन एंड हाफ बट आफ्टर वन ईयर ऑफ माई सीपीटी आई कुड गिव माई आईपीसीसी बट प्रॉब्लम ये था माय वुड कंटिन्यू तब आईपीसीसी में जरूर आ गई इसका मतलब अब ये नहीं आईपीसीसी के बाद आर्टिकलशिप शुरू होगी पीसीसी पैटर्न में ही मेरी में मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई सो दैट आई हैव टू कंटिन्यू नाउ विथ आफ्टर वन ईयर माई अटेम्प्ट ऑफ आई पी सी सी बींग ड्यू मतलब अब आप सोचो साल भर में जैसे आप, आपका आप ये दे रहे हो ना आपकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन वैसे ही साल भर बार मैंने अपना आईपीसीसी दिया बट आप में और मुझ में बहुत फर्क है आप दे रहे हो विदाउट आर्टिकलशिप मैं दे रही हूँ विद आर्टिकलशिप अब आप सोचो ये प्रेशर आपसे हैंडल नहीं होता है तो मेरी क्या हालत हुई होगी आर्टिकलशिप मतलब आप सोचो इतने सस्ते में और कौन एम्प्लॉय मिलेगा तो बॉस के तो मजे हो गए मेरी मेरी ऑफिस मॉर्निंग इलेवन टू इवनिंग सिक्स बट ऑफिस में जाने के पहले सुबह एक क्लास और ऑफिस से आने के बाद एक क्लास सुबह होती थी सारे फैकल्टीज की ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस और शाम में होती थी सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब लॉ है ऑडिट है आईटीएसएम था हमें ईआईएसएसएम आपको हमें था आईटीएसएम वो होता था शाम में संडे के दिन वाज द ओनली डे जब ऑफिस में छुट्टी होती थी एंड संडे वॉज द ओनली डे जहां पर फैकल्टीज को एक्स्ट्रा क्लासेस का समय मिलता था क्योंकि वो दिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते थे अदर देन डोज डेज फॉर द फैकल्टीज इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैड हैडर ऑफिस मतलब आप सोचो मॉर्निंग माई क्लासेज यूज टू बिगिन एट सिक्स फोर्टी फाइव सिक्स फोर्टी फाइव टू नाइन फिफ्टीन फिर उसके बाद नाइन फिफ्टीन के बाद इलेवन ओ क्लॉक ऑफिस होता था तो नाश्ता करके डायरेक्टली वी हैड टू रश टू ऑफिस ऑफिस होता था टिल इवनिंग सिक्स और इवनिंग क्लासेस वर फ्रॉम 6:45 फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी फाइव दो घंटे की थ्रिटिकल पेपर्स के जो भी क्लासेस होते थे वो शाम में होते थे साल भर ऐसे ही निकल गया साल भर घर से मैं निकलती थी अराउंड सिक्स थर्टी के आसपास फिर टिफिन मम्मा भेज देती थी लंच भी ऑफिस में ही करती थी फिर वापस से नाश्ता करती थी ऑफिस से निकलते वक्त शाम में क्लासेस करती थी और घर पे मैं पहुंचती थी नाइन ओ के आसपास प्रैक्टिकल पेपर्स अकाउंट्स होता था एडवांस अकाउंट्स होता था एफएम होता था और कॉस्टिंग होता था टैक्स के फैकल्टीज यूजुअली होमवर्क नहीं देते थे तो ये चार सब्जेक्ट्स की अगर सुबह क्लासेस होती थी उनका होमवर्क भी करना होता था पूरा साल भर ऐसा ही गया और जब मैं आईपीसीसी में थी मेरा भाई जो था वो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में था मतलब मैं जब घर से निकलती थी वो तो सोया हुआ रहता था और जब मैं घर पर आती थी वो दोस्तों के साथ घूमने निकलने के लिए बाहर जाता था संडे के दिन भी एक्स्ट्रा दिन भर क्लासेस होती थी तो so, संडे के दिन भी मिलना नहीं होता था एक पूरा साल आई एम नॉट एग्जैजिंग वन ईयर ऐसा था कि घर के मेंबर्स को भी मैंने नहीं देखा हो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था दिवाली में भी हार्डली वी यूज टू गेट थ्री टू फोर डेज ऑफ क्योंकि तब फैकल्टीज को एक लौटा मौका मिल जाता था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का क्योंकि तब ऑफिस में छुट्टी होती थी दस दिन की पंद्रह दिन की तो वो समय हैड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द फैकल्टीज क्योंकि उसके अलावा दे हैड नो अदर टाइम तो अगर छुट्टी मिली है हमें पता है वो क्लासेस में ही जाने वाली है सेल्फ स्टडी के लिए हार्डली आई गॉट टू मंथ्स हार्डली अब आप सोचो मेरा जो है दैट इज इन नवंबर 2009, आईपीसीसी का नवंबर 2009 में मेरे को दोनों ग्रुप्स देने हैं तब दोनों ग्रुप्स में पहले ग्रुप में चार पेपर्स होते थे और दूसरे ग्रुप में तीन पेपर्स होते थे ईपीसी की मैं बात कर रही हूं। क्योंकि पहले ग्रुप में सबसे पहला पेपर होता था अकाउंट्स फिर लॉ होता था एंड दैट टाइम कॉस्टिंग एंड एफ एम फिफ्टी मार्क्स का एक ही पेपर था और एक पेपर होता था टैक्स इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ वैट और सर्विस टैक्स था और डायरेक्ट टैक्स में वाज़ द इनकम टैक्स एक्ट विद द फाइव हेड्स ग्रुप टू में तीन पेपर्स होते थे फर्स्ट वाज़ एडवांस्ड अकाउंट्स सेकेंड पेपर वॉज ऑडेट एंड दर्ड पेपर वॉज आई टी एंड एस एम तो ऐसे करके पहले ग्रुप में हमें थे फोर हंड्रेड मार्क्स और सेकेंड ग्रुप में थे थ्री हंड्रेड मार्क्स पासिंग आपके जैसे ही था फोर्टी फोर्टी मार्क्स इंडिविजुअल पासिंग एंड फिफ्टी परसेंटेज इन एग्रीगेट तो इफ आई एम गिविंग बोथ द ग्रुप्स तो अब मुझे क्या लाना है 200 सो एंड डेढ़ मतलब 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी आउट ऑफ सेवन हंड्रेड इंडिविजुअली जितना आपको जो सब्जेक्ट में स्कोर करना है आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट येस एवरी पेपर मिनिमम हैज टू हैव फोर्टी मार्क्स आई गेव माई आई पी सीसी अटेम्प इन नवंबर टू थाउजेंड एंड नाइन ग्रुप्स विद गुड मार्क्स इन ग्रुप वन आई स्कोर टू हंड्रेड एंड थर्टी वन एंड इन ग्रुप टू आई स्कोर टू हंड्रेड मार्क्स आउट ऑफ थ्री हंड्रेड विच मेक्स इट टू फोर हंड्रेड एंड थर्टी वन मार्क्स आउट ऑफ सेवन हंड्रेड ये तीनों भी पेपर में मुझे एग्जामिशन था एक में 69, एक में 65, और एक में सिक्स और यहां पे ग्रुप वन में आई हैड सेवेंटी नाइन मार्क्स इन अकाउंट्स एंड आई हैड सिक्सटी मार्क्स इन लॉ हाँ ये दोनों पेपर्स में कुछ कम मार्क्स मिले थे टैक्स वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट देखो एवरी स्टूडेंट हैज देर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फॉर मी आई हैड फोबिया ऑफ टैक्स और आयरनी की बात ये है माई फादर इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट 25 फाइव इंटू डायरेक्ट टैक्स इयर्स प्रैक्टिस जो जिस फील्ड में वो मास्टर है

बट ठीक है हु आई पास पास हो हो गए गया अकाउंट्स हैगेस्ट पेपर तो इसलिए मुझे ग्रुप वन में भी सिक्सटी मतलब सेवेंटी नाइन मिले थे और एडवास्ड अकाउंट्स में भी आई स्को सिक्सटी नाइन इन एडवांस्ड अकाउंट्स और ग्रुप वन का जो आपका अकाउंट्स पेपर था ना उसमें मुझे सेवेंटी नाइन मिले थे तो uh, वैसे हाँ और कॉस्टिंग और एफएम के पेपर में हमारा कैच था जिसके वजह से दो कॉस्टिंग एंड एफएम वाज माय माई स्ट्रांग पेपर आई कुड स्कोर मच इन कॉस्टिंग एंड एफएम तो इसके वजह से ग्रुप वन में अगर आप देखोगे आई स्कोर ओनली 231 मार्क्स बट ठीक है आई कवर्ड अप विद ग्रुप टू बिकॉज ग्रुप टू में मुझे तीनों भी पेपर्स में एग्जामिशन मिला था और टोटल जो था वो दो मार्क्स था आउट ऑफ थ्री अब देखो दैट वॉज नॉट इट बाकी के बच्चे जो थे जो शुरू शुरुआत की थी उन्होंने आईपीसीसी से उनकी आर्टिकलशिप रिजल्ट के बाद शुरू हुई तो मतलब उनके पास दो ढाई महीने थे पूरे मजे करने के मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे बॉस ने ऑलरेडी मेरी ऑफिस शुरू हुई और उसके एट मंथ्स के बाद मुझे छुट्टी दे दी पढ़ाई करने के लिए स्टडी लीव के लिए और पंद्रह पंद्रह सोलह दिन एग्जामिनेशन के लिए मतलब आप समझ लीजिए तीन दिन की मुझे छुट्टी मिली तीन दिन के बाद अगेन आई ऑफिस अगेन इमीडिएटली क्योंकि ऑफिस तो ऐसा नहीं था ना कि रिजल्ट आएगा अगर एखा ग्रुप क्लियर हुआ तो ऑफिस चालू हुआ मेरा तो ऑफिस तभी से शुरू हो गया था जब मेरा सीपीटी क्लियर हो गया और मैं आईपीसीसी में मतलब एनरोल हो गए बट क्योंकि आईपीसीसी सॉरी पीसीसी टू आईपीसीसी मैंने कन्वर्ट कराया माय आर्टिकलशिप इज नाउ गेटिंग कंटिन्यूड फिर जनवरी में रिजल्ट आया जनवरी 2010 में रिजल्ट आया क्योंकि जनवरी 2010 में रिजल्ट आ गया और पॉजिटिव क्लियर आ गया अब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था वो भी सिक्स मंथ्स प्रीपोन हो गया ना दैट वॉज द ओनली रीजन वाई आई हेड कन्वर्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर न्यू स्कीम आईपीसी का आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर होगी इसमें एक बात मुझे कहना चाहती हूँ आर्टिकलशिप मेरी शुरू हुई थी तो ऑलरेडी आई वॉज मीटिंग माई सीनियर्स तो सबसे खराब बात होती है बड़े लोगों के ग्रुप में कभी नहीं जाना चाहिए दे आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी मतलब ये एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं क्यों हम लोग हमेशा हम लोग पीछे हट जाते हैं आर्टिकलशिप शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली देर वर माई सीनियर्स एंड दे आर सीनियर्स क्योंकि मैं तो जूनियर थी तो मेरे से एक साल और मेरे से दो साल दो लेवल अप देर वर माई सीनियर्स तो वो लोग कहते थे कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप सीए बन गए तो आपने क्या सीए बने मतलब फेल हुए भी अगर आपने सीए नहीं किया तो आपने क्या सीए किया मैं वही कह रही हूं ना इसीलिए कभी भी बड़े दोस्त होने ही नहीं चाहिए ये मेरी, ये मेरी मैंने सीख देख ली है सीनियर्स कहते थे अरे तीस मार खानी होते हैं जो फर्स्ट में तीनों भी स्टेजेस में सीए बन जाते हैं फर्स्ट बनना इज ओनली वन परसेंट ऑफ दैट क्राउड देखो जरूर रिजल्ट आता होगा टेन परसेंट बट वो टेन परसेंट कुछ सीपीटी में फेल हुए कुछ आईपीसीसी में फेल हुए कुछ फाइनल के दो अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट मतलब तीस मार खान आपको होना पड़ेगा अगर आपको तीनों भी स्टेजेस में फर्स्ट अटेप में क्लियर करना दिस दिस इज 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 नथिंग बट इट श्योर नेगेटिविटी और फिर क्या हो जाता है ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं है जो वो कहते हैं हमें लगता है भाई भगवान है आप आप अगर अगर पास हुए एक्सपीरियंस्ड हो तो आप सही कहते हो गए तो क्या हो जाता है नेगेटिविटी हो जाती है एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर सब स्टैंडर्ड एज कंपेयर टू अदर्स तब तब ऐसा हो जाता है जरूर हम में काबिलियत है बट फिर भी हम नीचे गिरते क्यों क्योंकि हम खुद का हुनर जो है अब हम उसको सप्रेस करना चालू कर देते हैं हमें लगता है ये तो पॉसिबल है ही नहीं हम गिरने ही वाले और ये तो ऑब्वियस है हर कोई गिरता है तो गिरने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बट देखो फॉर्चुनेटली फॉर मी माई पेरेंट्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी तो देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हैव दो बंच ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर मोटिवेटिंग यू अब मुझे पता है मैंने इसलिए पहली पहले दिन आपको पूछा था हाउ हमनी ऑफ यूल आर नॉट फ्रॉम पुणे आपको लगा होगा मैंने ऐसे ही टाइम पास टाइम पास में पूछा होगा ये सवाल बट नो देर वॉज अ रीजन बिहाइंड इट अब आप लोग घर पे नहीं रहते हो सो यू आर यूल्ड विथ नेगेटिविटी मैं चाहती थी अगर आपके पेरेंट्स नहीं तो एटलीस्ट मैं आपको हर स्टेज पे मोटिवेट करती रहू आपको गाइड करती रहू आपको बोलती रहू क्योंकि ऑफ ट्रैक ले जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं बट ऑन ट्रैक ले जाने वाले वो कुछ लोग होते हैं जो मैं बनना चाहती थी आपके लाइफ में इसलिए आपने देखा भी होगा पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डोज में आपको दिया ही करती थी वाई बिकॉज दिस पॉजिटिविटी इज नेसेसरी यू ऑल आर फील्ड विथ नेगेटिविटी अराउंड यू ऑल एंड इन साइड यू ऑल फॉर्चुनेटली फॉर मी माई पेरेंट्स वो द मोटिवेटिंग फैक्टर वो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी से फिल करते रहते थे जिसके वजह से फिर मुझे लगा नहीं यार वो हो गए तीस मार खार मैं भी तो कुछ कम नहीं हूं मैं भी अटेम्प्ट क्लियर कर दूंगी तीनों भी स्टेजेस में वो भी फर्स्ट टाइम में तो वो पॉजिटिविटी होने के वजह से मैंने सोचा कि हो जाएगा और हुआ उसी एटीट्यूड के वजह से अगर मैं सोचती ना मैं सब स्टैंडर्ड हूँ शायद से मैं सब स्टैंडर्ड ही रह जाती क्योंकि आज ऐसा आप सोचते हो वैसा ही होता है अगर आप नीची सोच रखोगे आपके साथ गलती होगा आप देखना कभी भी जो लोग हमेशा रोते रहते हैं ना उनके साथ हमेशा गलती होता है आप देखना वो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे क्योंकि दे आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी फिर जो अच्छा भी होगा ना उन्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि उन्हें बुराई ही दिखाई ही दे रहा है सो ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड आपका कैलिबर जज करने के लिए उनकी कोई औकात नहीं है वो कौन है आपको सर्टिफिकेट देने वाले कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गए वो कौन है स्टैंडर्ड आपका सेट करने वाले आपने अपने आप को देखा है आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जान सकता है तो दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या बोल रहा है या कोर्स कैसा है उससे आप अपने आप को जज मत करो आप भी कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते हो एक चीज बताओ आज तक क्या आपको कभी लगा है कि ये कोर्स कितना डिफिकल्ट है मुझे समझ में नहीं आया मैम ने या सर ने क्या एक्सप्लेन किया कुछ भी नहीं देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस कोर्स सिर्फ एक ही सबसे बड़ा चैलेंज एंड दैट इज टाइम फैक्टर इस टाइम फैक्टर को अगर आपने ओवरकम कर लिया

इसमें भी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ दोनों ग्रुप्स का फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया सोचा था जैसे हमेशा की तरह हम लोग भी ऐसे कहते दोनों ग्रुप्स का फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया था और फिर क्या हुआ मतलब आई वाज एलिजिबल फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर 2011 वेयर एज माय फ्रेंड्स के दोनों ग्रुप्स वर फॉलोइंग इन मई 2012 आई वाज 6 मंथ्स अर्लियर टू देम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जब समय आया था ना तब इतफाक की बात ऐसे हो गई दैट माई फादर वॉज ट्रेवलिंग ओके और मेरे पापा को बहुत मानती हूं मैं माय फादर वाज ट्रैवलिंग एंड तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मेरे फ्रेंड्स जो है वो तो वैसे भी मे के अटैम्प में क्लियर होने वाले मेरे को उनसे एक एडेड एडवांटेज मिला है नवंबर में अटैम्प देने का एक ही ग्रुप दे देती हूँ क्या फर्क पड़ता है मेरा वर्कलोड तो कम हो जाएगा फिर दूसरा ग्रुप उनके साथ क्लियर होकर वैसे भी मैं उनके साथ ही रहूंगी ना मैं उनके पीछे नहीं जाने वाली हूँ उल्टा मुझे दोनों ग्रुप्स अलग अलग देने का मौका मिल रहा है अपॉर्चुनिटी टू गिव दोनों ग्रुप्स अलग अलग तो ऐसे सोचा मैंने पंद्रह दिन के लिए पापा बाहर गए थे ही वॉज इन यूरोप तो एक ग्रुप का मैंने फॉर्म फिल भी कर दिया बट सबमिट करने के पहले फॉर्चुनेटली ही केम बैक एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैन डेट ओल्ड मी कि तूने तुझे तूने जब सी पी टी दिया था और ये कोर्स में कन्वर्ट कराया था तभी तुझे पता था कि तेरा अटेम्प्ट दोनों ग्रुप्स का नवंबर इलेवन में ड्यू होने वाला है इतनी मेहनत तूने यहाँ तक की इतना इतने समय तक क्यों यू नो तूने अपने आप को होल्ड किया थोड़े से के लिए तू क्यों पीछे जा रही है थोड़े से के लिए इतना अब कितने महीने की बात है? दो महीने की तो बात है एग्जामिनेशन दो महीने पे ड्यू है नवंबर में दो महीने हो जाएंगे फिर ना देखते ग्रुप अच्छा नहीं गया रिजल्ट क्लियर नहीं आया तब मई में, में देने का और एक मौका है ना अभी तो क्यों पीछे हट रही है और फिर पापा ने जबरदस्ती दो ग्रुप के फॉर्म्स भरवाए बोले कि देखेंगे फेल हुए तो भी हम कुछ नहीं बोलेगे तो टेंशन मत ले बट तू दे दोनों ग्रुप्स फिर मैंने दिए दोनों ग्रुप्स अब जब टैक्स की पढ़ाई मैं कर रही थी डायरेक्ट टैक्स की आई टोल्ड यू डायरेक्ट टैक्स का इतना फोबिया था फिर मैंने पापा को बोला कि क्लासेस तो मेरी कुछ ढंग से हुई नहीं थी क्योंकि मेरी देखो अब मैं सीनियर हो गई थी आर्टिकलशिप में तो जो जुलाई का सीजन था जो सितंबर का सीजन था दैट टाइम आई हैड टू वेट बिकॉज नाउ द जूनियर्स वर नॉट अवेयर अबाउट हाउ रिटर्न आर टू बी फाइल्ड और मैं अगर सीनियर हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई कुड डू माई क्लासेस प्रॉपरली क्योंकि अब मुझे ऑफिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी क्योंकि मेरे हाथों में मेरे क्लाइंट का काम था तो मेरे क्लाइंट के फाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुआ आई कुडेंट गिव प्रायोरिटी टू द क्लासेस तो क्लासेस मेरी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई बिकॉज ऑफ द सितंबर सीजन और देखो नवंबर में अटेम्प्ट है सितंबर तक मेरी क्लासेस चालू है मैं ऑफिस में हूँ मेरी क्लासेस भी ठीक से नहीं हो रही क्योंकि डीटी और आईडीटी की क्लासेस आप लास्ट में रखते हो उसमें अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं आई कुू माई डायरेक्ट की क्लासेस प्रॉपरली एग्जामिनेशन के पापा को बोलती तीन बजे तक जगह थे फिर भी मैं छह बजे तक पढ़ी थी एंड एन सिक्स ओ क्लॉक आई स्लेप्ट एंड आई टोल्ड इम प्लीज वेट मी आप एट नाइन ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक आई गॉट अप इन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कुछ चीजें अभी भी बाकी थी रेट से रिलेटेड Uh, फिर यू असेसमेंट से रिलेटेड वो सी ए फाइनल में है uh, से रिलेटेड एक uh, सवाल मैं और पापा साथ में बैठ के कर रहे थे और तभी पापा को क्या होगा किसी का कॉल आ गया कि रेड कब की जा सकती है कौन सा समय आपके घर पे एंटर कर सकते हो ओके okay? तो वो सिर्फ समय आया और पापा फोन कॉल पे चले गए और मैंने जैसे हर बच्चा करता है ना अभी पापा चले गए चलो टर्न टर्न द पेजेस तो मैंने पेजेस टर्न कर लिए चलो हो जाएगा हो जाएगा चीट करते ना हम लोग हमारे पेरेंट्स को कि हो जाएगा हो जाएगा कंप्लीट करना है दो बजे तो पेपर है नौ बज गई ऑलरेडी तो पापा पापा ने कुछ आठ दस मिनट फोन कॉल अटेंड किया आया और बोला कि ये सब पढ़ लिया क्या तूने पापा ने सवाल भी पूछा रेट से रिलेटेड के कब की जा सकती तो मैंने बोल दिया हाँ बिजनेस हज बिजनेस हज बिजनेस हज पापा भी वो फोन कॉल की धुन में थे और फिर मतलब वो नजरअंदाज कर दिया और बाकी का पूरा पोर्शन हमने पढ़ा टैक्स का पेपर आया अनफॉर्चुनेटली टैक्स वॉज द पेपर जो हमारे अटेम्प्ट में कैच था हर एक ग्रुप में एक पेपर होता है जिसमें कैच होता है मैं अटेम्प्ट ही कर पाई सिर्फ सेवेंटी मार्क्स का सिर्फ सेवेंटी मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाई तीस मार्क्स तो मैं लिख ही नहीं पाई लिख ही नहीं पाई मतलब मुझे जवाब ही नहीं आ रहा था क्या लिखू मैं गलत जवाब लिखने के बदले आई थॉट आई वुड रादर नॉट अटैम्प्ट एनीथिंग सेवेंटी मार्क्स का मैंने लिखा जैसे ही पाँच बजे और पेपर से मैं बाहर आई ब्रोक डाउन आई स्टार्टेड क्राइम मैंने बोला ग्रुप टू तो मेरा गया है चलो वापस से ग्रुप टू तो की पढ़ाई चालू करना बेटा फिर पापा ने बोला क्यों सेवेंटी मार्क्स अटेम्प किया है ना कोई बात नहीं फोर्टी तो मिल ही जाएगी चलो अपन देखते हैं तो शुरू किया सारे आंसर्स देखे मैंने क्या लिखा है सही जवाब क्या है और फिर मार्क करना चालू कर दिया कितना है फिर एक ऐसा था कि रेड कब की जा सकती है चार मार्क का और मैंने बोला मैंने तो लिख दिया बिजनेस आज तो पापा ने बोला बिजनेस साज कहां पे लिखा इट इज ओनली गोइंग टू बी आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट तो इसलिए मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ बिजनेस हास एंड आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट अलग अलग होता है याद है क्या आपको हो सकता है बीपीओ है तो फिर पूरे टाइम काम कर रहा है कोई फैक्ट्री है तीन शिफ्ट में काम कर रहा है तो बिजनेस आज तो उनके लिए चौबीस घंटे है तो बिजनेस आज और आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट अलग अलग होता है और वो क्वेश्चन था चार मार्क का अभी तक जो कैलकुलेट किया था थर्टी सिक्स मार्क्स मतलब मैं रो रही मेरे को देख के पापा रो रहे पापा को देख के मम्मी रो रही कि हो क्या रहा है घर में बोल रहे कि अगर बाकी में भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया वो चार मार्क के क्वेश्चन के वजह से इसका अटेम्प्ट गया ना देखो टू बी सेफर साइड पापा ने स्ट्रिक्टली कैलकुलेट किया और थर्टी सिक्स मार्क्स बट आप सोचो पापा पे क्या बिथरी है अगर मैं वो फोन कॉल आठ मिनट का अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं ठीक से इसको करवाता तो एटलीस्ट सेफ सेफ जोन में तो आ जाती चालीस और फिर उससे ज्यादा अगर एग्जामिनर बहुत ही स्ट्रिक्ट है फोर्टी तो मिल ही जाते हैं फोर्टी फाइव नहीं फोर्टी सिक्स नहीं तो पूरी वार पापा को भी लग गया कि भाई क्लियर तो होने नहीं वाला है मैं भी फुली डिप्रेस्ड बट स्टिल माय डैड टोल्ड मी गिव ऑल द पेपर्स डजेंट मैटर ये एक दूसरी गलती बच्चे करते हैं एक पेपर भी खराब हो गया ना सारे पेपर्स ना देने का डिसीजन ले लेते हैं और सोचते अगले अगले अटेम्प्ट के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दो डोंट एवर डू दैट जो मार्क्स आएंगे वो बाद में देखने वाली बात है करंटली गिव ऑल द पेपर्स सारे पेपर्स मैंने दिया अनफॉर्चुनेटली आई टोल्ड ऑल जैसे फोर्टी मार्क्स डॉट सबसे पहले पास लापास के पहले पहले, पहले देखा डायरेक्ट टैक्स में कितने मिले हैं उसके बाद देखोगी पास या लापास फोर्टी मार्क्स मिले और फिर मैंने टोटल के पहले देखा पास और नॉट पास देन पास एंड पास जनवरी 2012 में रिजल्ट आया था ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व दैट टाइम सी ए में बन गई थी विथ सिक्स मंथ ऑफ आर्टिकलशिप रिमेनिंग तो मेरी सिक्स मंथ्स की जो आर्टिकलशिप थी दैट आई डिड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए अब मैं बन तो गई बट अब मुझे पता था कि मुझे जॉब नहीं करना है मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, करनी है थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से आई न्यू आई हैड टू बिकम अ टीचर थर्ड स्टैंडर्ड से आई यूज टू ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बट जिस दिन मैं चार्ट एक्चुअली जब मैंने सी ए कोर्स शुरू भी किया ना दैट टाइम ऑल्सो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तब एप्टीट्यूड टेस्ट देने के पहले भी मेरे पेरेंट्स ने पूछा था तुझे बनना क्या है तो मैंने हमेशा से कहा मुझे टीचर बनना है और मैंने तभी भी कहा मुझे टीचर बनना है मतलब टेंथ स्टैंडर्ड बाद पापा ने क्या सोचा था बच्ची है हर थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा सोचता है टीचर बनना है तो ये भी हां टीचर बनना क्योंकि तब हमारे लिए हमारे रोल मॉडल्स आर आर टीचर्स क्योंकि उन्हीं से हम लोग हर रोज मिलते हैं उन्हीं से रूबरू होते वही हमारे साथ दिन भर रहते हैं तो तू भी ऑटोमेटिकली गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय देम तो पापा को लगता था क्या टीचर बनना है बोल रही है बच्ची है बन जाएगी ठीक है चेंज हो जाएंगे प्लान बट टेंथ स्टैंडर्ड के बाद जब एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ तब फिर मैंने बोला मुझे टीचर बनना है दैट टाइम ही टोल मी देख अगर तुझे टीचर बनना है तो बन एंड आई विल बिकम अ टीचर इन दैट कोर्स जो हर कोई बन ही नहीं सकता तो टीचर तो दूर की बात है फिर जब मैं टीचर बनी मैंने पढ़ाना चालू किया बट जब मैंने पढ़ाना चालू किया मुझे मजा नहीं आया मैंने बोला हर कोई आ रहा है फीस ले रहा है पढ़ा रहा है बस वही कर रहा है बट मेरा तो कभी सपना ऐसा था ही नहीं मुझे तो पता ही था कि अगर मैं कुछ कर रही हूं इसलिए तो सीए बनने के बाद कभी जॉब या कभी प्रैक्टिस करना ही नहीं था आई न्यू आई द लाइफ ऑफ समबडी एल्स मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ जो हर कोई कर रहा है फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टीचर हूं और अगर मैं यंग क्राउड से मिल रही हूं मुझसे बेहतर कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है जो यंग लोगों की लाइफ को बदल सकता है तब से फिर एक साल बाद मैंने शुरू किया विद ऑल दीज कलरफुल नोट्स विद ऑल दीज चार्ट्स विद ऑल दीज मेमोरी टेक्निक्स विद ऑल दीज क्वेश्चन बैंक्स एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग विथ ऑल तब से मैंने शुरुआत किया था और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हमेशा सोचा है कि मेरी फीस चाहे पता नहीं इंडिया में या पुणे में चाहे दूसरी कोई भी फैकल्टी की कितनी भी फीस क्यों ना हो आई हैव टू कीप द लोएस्ट फीस मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है मेरी फादर भी ही बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली He had all the riches and my husband also fortunately he has all the riches. रिचेज मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है I knew I had to do something. Emotionally, this thing was, you know, uh, biting me. कि अगर मैं टीचर हूँ अगर मैं यंग क्राउड से मिली हुई हूँ हु, तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना है मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ में दैट आई कुड चेंज their lives. मुझे मालूम है नेगेटिविटी और पुणे जैसे शहर में देर आर हंड्रेड थिंग्स जहाँ पे बच्चा बिगड़ सकता है Everything यू ऑल हैव, चाहे आपको ड्रिंक करना है स्मोक करना है पब्स में जाना है हर कोई चीज है आपके पास बिगड़ने के लिए और आपके पेरेंट्स है नहीं आपके पास पूरा फ्रीडम है तो मुझे मालूम है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया बच्चा गलत ट्रैक पर जा सकता है और वापस से फिर अगर वो अयाशी लग गई वो आराम की बात हो गई तब ऐसे कि इसमें वो वापिस से ऑन ट्रैक नहीं आ सकता है तो तब मैंने सोचा येस आई हैव टू डू समथिंग मतलब मेरी मेहनत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी की जिंदगी जो है वो बदल जाए ऐसा इंस्पिरेशन देते जाओ ऐसा लाइफ में इंपैक्ट करते जाओ कि हां वो लोग भी सोचे कि अगर बनना है तो मैम जैसे बनना है और बनना है तो अगर सर्स जैसे बनना है तो इसीलिए अगर आप देखोगे एवरीथिंग वट एवर आई एम डूइंग फॉर ऑल लोएस्ट फीस आप देख लेना अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ आज ही आप कंपेयर कर देना बाकी फैकल्टीज होने में उनकी फीस क्या है और मेरी फीस क्या है वो क्या दे रहे हैं और मैं क्या ले रही हूं बस फिर क्या वो एक दिन था और आज का एक दिन है जहां पे अब मैं आपके सामने खड़ी हूं और आप देख ही रहे हो पुणे में चाहे रिस्पांस हो या इंडिया में रिस्पांस हो तो एक चीज आपको जरूर कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ऐसी कोई चीज करो विच विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स एंड बी विद दो पीपल हु मोटिवेट यू हु इंस्पायर यू एंड आर फिल्ड विथ पॉजिटिविटी क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी और गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई है और शॉर्टकट का रास्ता तो बहुत ही आसान है बट कहते हैं ना जैसे शॉर्ट टर्म गेन इज ऑलवेज गोइंग टू लीड इन टू लॉन्ग टर्म पेन तो ज़रूर छोटी छोटी चीज़ों से शॉर्टकट में आपको ज़्यादा कुछ मिल जाए बट आप लंबा सोचना एथिकल रहना आपके जो उस है आपके जो एथिक्स है आपका जो गुरूर है आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इज द ओनली थिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन विथ यू तो वही चीज आप फॉलो करना और अच्छे इंसान बनना अच्छे से पढ़ाई करना आज भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है जो हुआ सो हुआ नए साल की शुरुआत हुई है अगर आर्टिकलशिप के साथ मैं इतनी मेहनत कर सकती हूं तो मुझे लगता है योला सुपर टैलेंटेड फर्स्ट जैसे मैंने आपको कहा है आप लोग मुझसे दस गुना होशियार हो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो जरूर कर सकते हो ओनली वन थिंग कीप इन माइंड एंड दैट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दीस सिक्स टू सेवन मंथ्स बिलीव मी ये सिक्स टू सेवन मंथ्स अगर आपने मेहनत कर ली तीन साल है रहे आपको तो आर्टिकल शिपर सी ए फाइनल के लिए आपके लाइफ में तो मज़े ही मजे है पूरी आर्टिकलशिप आप अयाशिम में निकाल सकते हो मजे में निकाल सकते हो जाओ ना फिर हर सैटरडे नाइट हर संडे आप मजे करो आजकल तो फैकल्टी संडेज भी नहीं लेते क्लासेस हर फाइनल की लेवल की बात कर रही हूं मैं आप लोगों का कैसे एक साल में करना है इसलिए फाइनल में नो बडी टेक ऑन संडेज यू ऑल विल ओनली हैव वन क्लास एट अ टाइम इवनिंग्स आर फ्री फॉर ऑल हर शाम घूमो हर सैटरडे नाइट मनाओ हर संडे आप घूमो हर संडे दस बजे ग्यारह बजे उठो कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है बट मैं एक चीज कह लेती हूं अगर आप क्लियर नहीं हुए ना जितने कॉल्स आपको बर्थडे के दिन नहीं आए उतने रिजल्ट के दिन पक्का आने वाले हैं उसमें सबसे पहले कॉल तो आपके रिलेटिव्स ये पक्की गारंटी मैं आपको कहती उनसे ज्यादा हरामी कोई नहीं है <laughs> आप सोचोगे मैम है क्या बोल रही है ऐसी भाषा इस्तेमाल कर करी बट दिस इज द ट्रुथ फ्रेंड्स एक बार आपके साथ दे गए बट वो इतने हरामी होते हैं और उसमें अगर उनका बच्चा वही एग्जामिनेशन दिया और क्लियर हुआ है बस हो गया सत्यानाश और आजकल तो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप्स वी आर फैमिली हम साथ साथ है कुछ साथ साथ नहीं है सब लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं तो ये मौका अगर आप दे रहे हो आप समझ लो आप कह रहे हो आप बैल मुझे मार अपने हाथों से उनको आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में जज करने के लिए कोई मौका आपको नहीं देना है अगर आप चीट कर रहे हो तो उनको नहीं कर रहे हो आप समझ देना आप खुद को चीट कर रहे हो जिंदगी में खुद को चीट कभी मत करना बाकी आप हुशार तो हो ही आप तो जानते ही हो क्या आपका फ़ायदा है किस में और किस में आपका नुकसान है है ना so बस यही कहना था मुझे स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच